एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ होम्योपैथिक। होम्योपैथी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। और आज हम अभी अपने सेशन में बात करने वाले हैं टीनिया, ये जो एक वायरस है ये आखिर में है क्या। जैसे कि अभी कुछ पेशेंट की रिक्वायरमेंट आ रही है कि जैसे वो अपने कपड़े को उतारते हैं, बिस्तर पर जाते हैं, बिस्तर थोड़ा गर्म हो जाता है, हीट एनर्जी मिलती है, तो उनको खुजलाहट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इसका जो रीज़न है वो टीनिया एक वायरस होता है जो बेसिकली जो पाया जाता है वो खट्टी चीज़ें, यानी सोरा में सबसे ज़्यादा खट्टी चीज़ें हो गई, आपका विनेगर हो गया या फिर कच्ची प्याज हो गई, इस सब में सोरा की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से आगे चल के उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अभी हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरी तरह से समझने वाले हैं। ये हमारा शॉर्ट सेशन है। शॉर्ट सेशन में हम अभी वायरस कौन से स्थान पे कौन से वायरस होने की वजह से कौन सी बीमारी होती है अभी हम इस सेशन पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं अपना सेशन। उसके पहले जो एक सोरा का पार्ट है सोराइसिस, वो वीडियो मैंने ऊपर अपलोड किया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं सोराइसिस डर्मोटाइटिस के जो वीडियोज़ हैं वहाँ पे हैं। ये हमारे जो अभी है वो टीनिया एक जो वायरस है ये नॉर्मली बेसिकली जो पाया जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से जो खान पान हमारा टाइमली नहीं हो पाता इसकी वजह से। तो पहला जो है वो अगर आपको शरीर में है तो टीनिया कार्पोरेसिस बोलेंगे, सिर में अगर आपको है तो टीनिया कार्पेटिस बोलेंगे, और अगर आपके पैर में है तो टीनिया पेडिस बोलेंगे, और हाथ में है तो टीनिया मेनम। तो ये वायरस जहाँ जहाँ पे होते हैं वहाँ वहाँ की कंडीशन पे अलग अलग नाम होते हैं। तो ये वायरस हैं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और अच्छी तरह से कि वायरस के अफेक्टेड क्या होते हैं, आगे चल के कौन सी डिजीज पैदा होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे ऐसे ही नए टिप्स के साथ।